नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, जैसा कि गेहूं का सीजन चल रहा है, गेहूं की फसल में किसान साथी अक्सर पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उत्पादों के बारे में खोजबीन करते रहते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं में अगर आपने जरूरत के हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर या अन्य पोषक तत्वों का प्रयोग किया है तो आपको कुछ और प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिना धूप के पौधे जमीन से पोषक तत्वों को नहीं उठा सकते और वह जमीन में पड़े पड़े बेकार हो जाते हैं। इसलिए किसान साथियों, आपको पोषक तत्वों की कमी पौधे में देखने को मिलती है। जब धूप न निकल रही हो तब पोषक तत्वों की प्रयोग स्प्रे के द्वारा चाहिए। गेहूं की फसल में आप कौन सा स्प्रे करें, इस बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहे। इस समय गेहूं गोब अवस्था में लगभग आ गया है। इस समय पौधे को सभी पोषक तत्वों को देने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आपको हम कुछ फॉर्मूला बताएंगे जो आप भी अपने गेहूं की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं हम किस प्रकार से कुछ सस्ते उत्पादों का इस्तेमाल करके अपनी फसल की पैदावार को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एनपीके 19-19-19 के साथ आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें 6 से 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिक्सर आपको बाजार में मिल जाता है। इन दोनों को आपस में मिलकर गेहूं की फसल पर छिड़काव करें। 2 किलोग्राम डीएपी साथ में 1.5 किलोग्राम एमओपी का आपस में घोल बनाकर गेहूं की फसल में छिड़काव करें। इसके भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिंक सल्फेट 700 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलोग्राम, फेरस सल्फेग्राम, मैंगनीज सल्फेट 500 ग्राम और बोरोन 100 ग्राम को साथ में घोल बनाकर अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। ऊपर बताए गए तीनों स्प्रे के साथ आपको टेबुकोनाजोल 25.9% IHC की 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से साथ में मिला लें, क्योंकि जो आपकी फसल की पत्तियां पीली हो रही हैं या आपको कुछ फंगस जनित रोग दिखाई दे रहे हैं तो उनको यह दवाई पूरी तरह से खत्म कर देगी और आने वाले फंगस रोगों को भी यह रोकने में आपकी सहायता करता है। तो साथियों, वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान, जय किसान।